नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। ध्यान में ना कभी कभी बड़ी विचित्र बातें हो जाती हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आज के वीडियो में आपको डराने वाला हूँ। पहले भी मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत से रूबरू करवाना हमारा लक्ष्य है। और जब आप ध्यान के फील्ड में आ ही गए, हमारे वीडियो को देख ही रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्यान के अंदर क्या क्या विचित्र बातें हो सकती हैं। भूत प्रेत पे शायद आप विश्वास करते हो या ना करते हो, अपने अपना मंतव्य हो सकता है। कुछ धर्म तो बिल्कुल विश्वास करते ही नहीं और बहुत से धर्म विश्वास करते हैं। ध्यान में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आत्माएं, जिनको सोल्स कहते हैं इंग्लिश में, और एक शब्द आता है ऑर्ब्स, ORBS, आप इसको गूगल पे सर्च करके देखिएगा। और कई एक्सपेरिमेंट मैंने इस पर किए हैं और मेरे पर्सनल अनुभव तो हैं ही। अपने पर्सनल अनुभव को मैं अगर बताऊं तो हो सकता है आपको झूठ भी लगे, आपको लगे कि नहीं, ये व्यक्ति जो है यूं ही वीडियो की अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहा है। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, मेरे पिछले वीडियो भी आप उठा के देख सकते हैं, कभी किसी भी वीडियो में मेरा ये लक्ष्य नहीं रहता। लेकिन सच्चाई है कि कुछ आत्माएं जो हैं वो आपके आसपास आने लगती हैं। आने कब लग, शुरू में नहीं आने लगती। ऐसा नहीं है कि शुरू में आप ध्यान करने बैठोगे और कोई आत्मा या भूत प्रेत आपके पास आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि जब आपका मणिपुर चक्र यानी अग्नि तत्व जो विकसित होगा, तब आपको इन चीज़ों का आभास होगा। लेकिन जो भी चीज़ आपके पास आएगी, कोई ऑर्ब्स के रूप में आत्मा आएगी, वो कहीं से भी आ सकती है, तो आपको उसका आभास होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त आपको डर नहीं लगेगा। सबसे खास बात यह होगी कि फियरलेसनेस भी साथ में आएगी, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। जब ऐसा होना शुरू होगा, जो विचित्र बात मैं कह रहा हूँ, जब ये होनी शुरू होगी, तो ये शक्तिशाली पहले आपको बनाएगी, फिर ये होनी शुरू होगी। कई बार ऐसा भी होगा कि बहुत सारी, आपको लगेगा बहुत सारे ऑर्ब्स जो हैं, हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा था, आप गूगल पे तो सर्च कीजिएगा ऑर्ब्स के बारे में, ORBS, ठीक है। इस शब्द को जब आप गूगल में डालेंगे तो आपको पता चलेगा ऑर्ब्स क्या होते हैं। आप जब कोई ऐसा ध्यानी व्यक्ति जो बहुत ध्यान करता हो, लंबे समय तक ध्यान करता हो, आप ना उसकी किसी अच्छे से कैमरे से पिक्चर लीजिएगा, या जो जहाँ पे ध्यान होता हो, ऐसा भी प्रीमिसेस हो आपके आसपास, तो जब ध्यान हो रहा हो उस वक्त उसके ऊपर की, जहाँ पे ध्यान हो रहा है वहाँ पे लोग बैठे हैं नीचे, या चेयर्स पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उन लोगों की तो लीजिएगा ही, लेकिन ऊपर की ओर जो दीवारें हैं, छत है, वहाँ पे आप पिक्चर देख के लीजिएगा। जो बात आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं ऑप्स, वो ऑप्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, तब आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। हालांकि डरने की बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा चैनल डराने के लिए नहीं है, सोल्यूशन देने के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि ध्यान में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ध्यान में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जब पता होगा तो फिर डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी विचित्र अनुभव होने लगे, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, तब हम आपकी मदद भी करेंगे। संपर्क करने का तरीका नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर लिख सकते हैं, और हमारा नंबर भी जो है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप आप कीजिएगा, सीधे फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि सीधे फ़ोन हम उठाते नहीं हैं। व्हाट्सएप पे पहले आप मैसेज भेजिएगा अगर इस तरह की कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो। एक और सबसे खास बात जो मैं आपके साथ आप बताना चाहता हूँ, हम लोग हमारी NGO के माध्यम से पूरे इंडिया में वर्क कर रहे हैं। आप हमारी NGO से जुड़ सकते हैं, और आपके अपने शहर में, हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में हम बच्चों के लिए खासतौर पर काम कर रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ मिल के काम कर रहे हैं। आपके आसपास, आपके शहर में कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह पे हैं, वहाँ पे आप हमें बुलाइए, हमारा सहयोग कीजिए। और हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एक कदम संस्कृति की ओर, उसको बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं जनमानस की, तो हमारी NGO से जुड़िए। हमारी NGO का नाम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, HCRF NGO, तो उससे जुड़िए। हमारी साइट भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, IAMconscious.org, आपको सारे हमारे प्रोग्राम वहाँ मिल जाएंगे। तो हमारा सहयोग कीजिए इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। हम संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे, इसलिए निसंकोच होकर हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन
मंगलमय हुए।